यूट्यूबर मनीष कश्यप को भारतीय स्टेट बैंक पारस पकड़ी के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में बेतिया न्यायालय आना होगा। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को बेतिया लाने के लिए बेतिया व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है, जिसके तहत 27 जून को मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले को लेकर जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार विश्वास ने बताया कि मनीष कश्यप के खिलाफ मझौलिया थाने में बीजेपी नेता से रंगदारी और मारपीट करने का मामला दर्ज है। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। 27 जून को मनीष कश्यप को कोर्ट में पेश कराने की प्रक्रिया चलेगी। मझौलिया थाना कांड संख्या 737/2020, जिसका विचारण न्यायिक दंडाधिकारी श्री मंजूर आलम जेएम फर्स्ट क्लास के कोर्ट में चल रहा है, इसमें इनका उपस्थापन दिनांक 27/6/2023 को होना है। इसके लिए न्यायालय के द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा चुका है। न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी होता है, उसी आधार पर न्यायालय वहां से जो है भेजती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की 27 जून को बेतिया न्यायालय में पेशी होगी। मनीष कश्यप मूल रूप से बेतिया के ही रहने वाले हैं। फिलहाल वो तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में सेंट्रल जेल मदुरई में बंद है। मनीष पर चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोप में साल 2020 के नवंबर से ही मामला दर्ज है। अब तक उसने एक भी बार सुनवाई के लिए कोर्ट में पेशी नहीं दी है। 12 जून 2023 को भी इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन सेंट्रल जेल मदुरई के अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष कश्यप को मौजूद रहने की बात कही थी। अब बेतिया न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया। न्यायालय ने अधीक्षक को उसे हर हाल में 27 जून को सेंट्रल कारागार मदुरई से बेतिया न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 17 मार्च 2023 को मझौलिया पुलिस ने इस केस में न्यायालय से कुर्की जब्ती आदेश मिला था, जिसके बाद कुर्की करने के लिए पुलिस पहुंची भी थी, लेकिन उसी दिन मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु के मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई की पुलिस जांच कर रही थी। बिहार आर्थिक अपराध इकाई की पुलिस मनीष कश्यप को लेकर पटना चली गई। बाद में मनीष अन्य मामले में मदुरई जेल चला गया।